तो फाइनली मेरे पास में आ गई है बजाज पल्सर NS 160 CC। और आज की वीडियो में हम करने वाले इसका डिटेल्ड रिव्यू, देखते हैं इस बाइक में क्या क्या अपडेट्स हुए हैं, क्या फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे और क्या क्या बदलाव हुए हैं और इस बाइक की ऑन रोड प्राइस क्या रहने वाली। ये वाली बाइक मुझे मिली है बजाज ऑटो लक्ष्मी से और थैंक यू सो मच। और आपको बजाज की कोई भी बाइक्स परचेज करनी ना, तो डिस्प्ले के ऊपर अभी महेंद्र जी के नंबर आ रहे हैं, वहाँ पर जाके आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। शोरूम की जो लोकेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वहाँ से जाके आप पिक कर सकते। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। बाइक की कुछ इस प्रकार से रहने वाली है आपकी, और ये कुछ लुक्स एंड डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाएगा बाइक की का। तो शुरू करते हैं फ्रंट हेडलाइट से। तो भाई फ्रंट में आपको इस गाड़ी के अंदर फुल LED सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आपको DRL देखने के लिए मिल जाएगी। तो सबसे बड़ा चेंजेस तो ये रहने वाला है इस बाइक के अंदर। और यहाँ पे आपको बजाज का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। देखो यार, दो लाइट तो यहाँ पे इसकी, एक मेन लाइट यहाँ पे है और दो LED सेटअप के साथ में आती है। और जो इसके इंडिकेटर है वो भी भाई LED रहने वाले। एक बार मैं इंडिकेटर ऑन कर देता हूँ इसके, ये देखो। तो इसके अंदर आपको भाई फुल LED सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा, यानी कि LED हेडलाइट्स रहने वाला है, LED इंडिकेटर्स रहने वाले हैं। बाइक का जो रियर का लुक है वो भी दिखा देता हूँ। रियर में आपको LED बैक लाइट देखने के लिए मिल जाएगी। तो फ्रंट व्हील से स्टार्ट करते हैं। तो बाइक के अंदर आपको डबल चैनल ABS देखने के लिए मिल जाएगा। डबल चैनल की आपको यहाँ पे बेजिंग भी देखने के लिए मिल रही है। फ्रंट डिस्क साइज की बात करें तो 300mm की डिस्क प्लेट रहने वाली है। डबल पिस्टन आता है कैलिपर के अंदर। और टायर साइज की बात करें तो बाइक के अंदर आपको 180/17 का टायर साइज देखने के लिए मिल जाएगा। व्हील्स की बात करें तो 17 इंच का व्हील रहने वाला है बाइक के अंदर। और फ्रंट में अपसाइड डाउन वाले सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो काफ़ी अच्छा है इंडियन रोड के हिसाब से। अपसाइड डाउन वाली जो सस्पेंशन है, कितना अच्छा लुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं इस बाइक को, और जो इसका लुक है वो भी इन्हेंस कर रहे हैं। फ्रंट का जो मडगार्ड है बाइक का, यहाँ पे आपको ग्रे कलर की बेजिंग और ग्राफिक देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको जो इसका फ्रंट का मडगार्ड है, एक कार्बन फाइबर जैसी फिनिशिंग आती है। एक्चुअल में ये कार्बन फाइबर जो आता है वो नहीं है। और रियर डिस्क ब्रेक की बात करें तो बाइक के अंदर आपको 230mm की डिस्क प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी। और वहीं पर मैं बताना चाहूँगा, रियर का जो टायर साइज इसका वो है 170/17 इंच का व्हील रहने वाला है। रियर में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे इस बाइक के अंदर आपको टायर हगर भी देखने के लिए मिल जाएगा। और कंपनी से आपको फिटेड ऑन रोड प्राइस के अंदर लेडीज़ फुटरेस्ट, लेडीज़ साड़ी गाड़ी भी देखने के लिए मिल जाएगा। साड़ी स्टैंड के अंदर इसके अंदर पावर कट वाला सिस्टम रहने वाला है। जैसी गाड़ी आपकी गियर में रहेगी तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी। और फुटरेस्ट की क्वालिटी की बात करूँ तो इसका जो फुटरेस्ट है, एक प्रीमियम अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करता है आपको बजाज। और ये फोल्डेबल भी रहने वाला है। और जो राइडर का जो फुटरेस्ट है उसको भी आप फोल्डेबल कर सकते हो, इसके अंदर स्प्रिंग लगी हुई है। और क्वालिटी एंड फिनिशिंग की बात करूँ तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी और फिनिशिंग के साथ में इसके फुटरेस्ट आते हैं। फ्रंट लुक्स और डिज़ाइन की बात करें तो बाइक कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। और यहाँ पे आपको साइड पैनल्स के ऊपर 160 की बेजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। ऑयल कूल सिस्टम के साथ में आती है बाइक। और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर की बेजिंग देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे पल्सर की जो बेजिंग आती है वो देखने के लिए मिल जाएगी। और यहाँ पे जो आता है ना, ये E20%, इसका मतलब होता है पेट्रोल अप टू E20%। और BS6 का फेस 2 रहने वाली है, NS 160 CC है। और स्विच एंड बटन्स की क्वालिटी की बात करूँ तो इसके जो स्विच एंड बटन्स है काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के साथ में आते हैं। और यहाँ पे आपका जो ये स्विच देख रहे हो ना आप, ये हेडलाइट का स्विच रहने वाला है। और ये आपका इग्निशन स्विच रहने वाला है, ये इग्निशन किल स्विच रहने वाला आपका। और बाइक के अंदर आपको फ्रंट में यहाँ पर एक छोटी सी विंडशील्ड देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर बजाज का लोगो आता है। और बाइक का जो फ्रंट का लुक एंड डिज़ाइन है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। और यहाँ पे आपको भाई इंजन गार्ड भी देखने के लिए मिल जाएगा कंपनी से फिटेड ऑन रोड प्राइस के अंदर। और इंजन काउल्स की बात करो तो इंजन काउल के नाम पे आपको कुछ इस प्रकार का इंजन काउल देखने के लिए मिल जाएगा। बाइक के अंदर आपको 160 CC का इंजन देखने के लिए मिल जाएगा ऑयल कूल्ड सिस्टम के साथ में। बाइक के अंदर आपको मिल जाएंगे 5-speed गियर बॉक्स। और वहीं पर मैं बताना चाहूँगा, पावर्स की बात करें तो 17.3 BHP पावर देखने के लिए मिल जाएगा 9000 RPM के साथ में। मैक्सिमम टॉर्क की बात करूँ तो 14.6 का मैक्सिमम टॉर्क देखने के लिए मिल जाएगा 7250 RPM के साथ में। और टॉप स्पीड की बात करूँ, इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 120 रहने वाली है। बाइक के अंदर जो फ्यूल टैंक आता है वो 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा आपको। रिजर की बात करूँ तो इस बाइक के अंदर आपको 2.4 लीटर का रिजर कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाएगा। और वहीं पर बताना चाहूँगा आपको मैं, यहाँ पर टैंक पैड देखने के लिए मिल जाएगा, जिससे बाइक की जो टैंक है उसके ऊपर भी स्क्रेच नहीं होगा। माइलेज की बात करूँ तो ये बाइक आपको जो माइलेज है ना भाई, 52
किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाल के दे सकती है, ये कंपनी का क्लेम करना है। बट मेरे हिसाब से इसका जो मैं माइलेज मानता हूँ ना, वो रहने वाला है भाई 45 या 15 का माइलेज रहने वाला है। बाकी आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ, जो भाई पल्सर 160 सीसी यूज़ कर रहा है, यानी कि एनएस 160 सीसी यूज़ कर रहा है ना, उस बाइक का कितना माइलेज निकल कर आ रहा है। बाइक के कर्व वेट की बात करें, जो बाइक का वजन होता है ना, वो कितना केजी का रहने वाला है, वो रहने वाला है 152 केजी की आपकी ये वाली बाइक रहने वाली है। और मैं वहीं पे बताना चाहूँगा, इस बाइक के अंदर जो सीट हाइट होती है, राइडर की जो सीट हाइट होती है, वो रहने वाली है 805 mm की। और ग्राउंड क्लियरनेस की बात करूँ, ग्राउंड हाइट की बात करूँ, तो बाइक की जो ग्राउंड हाइट है वो रहने वाली है आपकी, देखो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ मैं, गाड़ी है 160 सीसी की, ये देखो यहाँ पे वेजिंग भी है, यहाँ पे रियर में भी आप देख सकते हो। बट भाई बजाज की जो गाड़ी का बेनिफिट है ना, वो आपको बिल्कुल मिलने वाला जो RTR में भी नहीं मिलता है, ये किक वर्जन भाई, किक मिलता है ना बैटरी डिस्चार्ज होने के बाद में भी, इस गाड़ी को आप स्टार्ट कर सकते हो और सेल्फ स्टार्ट ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और एक्सीलेटर थ्रॉटल की बात करें, जो थ्रॉटल ग्रिप रहने वाली है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। थ्रॉटल जो इसका है बहुत स्मूथ लग रहा है, क्योंकि भाई नया थ्रॉटल है ना, तो स्मूथ लगेगा ना। और ये रहा आपका क्लच, ये भी भाई मेरे को स्मूथनेस के साथ में फील हो रहा है। और सीटिंग की बात करूँ, सीट की बात करूँ, तो जो गाड़ी की सीट है वो कम्फर्टेबल रहने वाली है। जो भी स्पोर्ट्स बाइक होते हैं ना, उन सब में भाई थोड़ा आपको पता है ना कि सीट कैसी आती है, कितना कंफर्टेबल रहने वाली है, वो तो आपको पता ही है। बाइक में आपको स्प्लिट सीट देखने के लिए मिल जाएगी। ग्रेवरील्स की बात करूँ, तो ग्रेवरील भी एक अच्छे प्रीमियम क्वालिटी के साथ में देखने के लिए मिल जाएंगे। फिट एंड फिनिशिंग काफ़ी अच्छी रखी गई है। और लेडीज़ जो फुट रेस्ट रहने वाला, उसकी जो फिट एंड फिनिशिंग है ना, वो भी गजब की आ रही है, एकदम मोटा पाइप डाला गया है इसके अंदर। बात कर लेते कुछ फीचर्स की, तो मैं जैसे की ऑन करूँगा तो इसका डिस्प्ले मीटर कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। और बाइक के अंदर आपको फ्यूल की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, RPM की इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी, यहाँ पे इंडिकेटर यहाँ पे आपको इंडिकेटर का जो इन्फॉर्मेशन वो देखने के लिए मिल रहा है। ABS की लाइट आ रही है, फ्यूल पंप की लाइट आ रही है, गियर न्यूट्रल की लाइट बता रहा है, यहाँ पे आपका RPM लाइट हो गया, टाइम हो गया, ट्रिप ए ट्रिप बी रहने वाला है, गियर पोजीशन रहने वाला है, फ्यूल की इन्फॉर्मेशन रहने वाली है इसके अंदर आपकी। और इस बाइक के अंदर आपको इस डिस्प्ले मीटर को कंट्रोल करना है, तो M बटन मिल जाता है देखने के लिए, जिससे आप भाई इस डिस्प्ले मीटर को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे ट्रिप ए ट्रिप बी हो गया, और उसको जीरो भी कर सकते हो। टाइम सेट करने के लिए S का जो बटन है उससे आप टाइम सेट कर सकते हो। और बाइक के अंदर आपको चार्जर फैसिलिटी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, चार्जर जो पॉइंट है NS 125 सीसी में भी यहीं पे मिलेगा, और NS 160 सीसी में भी आपको चार्जर पॉइंट यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा। और बाइक का जो डिस्प्ले मीटर है उसका लुक्स आपको कैसा लग रहा है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताओ। बाकी इसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाती है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे हम डिस्प्ले मीटर ऑन करेंगे ना, तो इसमें देखो अच्छे से नोटिस करना आप, मैं वापस बंद कर देता हूँ, यहाँ पे देखो कॉल मैसेज मिस कॉल अलर्ट लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये भी इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी देखने के लिए मिल जाएगी, ये देखो ब्लूटूथ का सिंबल आ रहा है यहाँ पे, आराम से देख सकते हो आप। अंदर आपको भाई कॉल एंड SMS अलर्ट्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। वही मैं बताना चाहूँगा, इसके अंदर आपको GPS एंड नेविगेशन का सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाएगा, सर्विस रिमाइंडर देखने के लिए मिल जाता है, इसके अंदर आपको ट्रिपल नेविगेशन सिस्टम भी देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये कुछ आपको इतने सारे फीचर्स इस डिस्प्ले मीटर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो इतने सारे फीचर्स है ना भाई, भाई भर भर के मिल रहे हैं आपको इस गाड़ी के अंदर। अभी टाइम है बाइक की एग्जॉस्ट साउंड सुनाने का, तो करते हैं स्टार्ट। ओ फ्यूल नहीं है शायद, चलो फ्यूल तो है। तो इंजन की जो साउंड है कुछ इस प्रकार से रहने वाली है, देखो इसका जो साइलेंसर आता है ना वो अंडर बेली के साथ में आता है, और एग्जॉस्ट नॉट सुनो एक बार, कितनी मस्त आवाज़ आ रही है, एकदम बेस वाली। ये थी इसकी एग्जॉस्ट साउंड। और फ्रंट से बाइक के फ्रंट से जो बाइक है ना बहुत ही सेक्सी लग रही है यार, कितनी गजब लग रही है ना। आपको ये वाली बाइक पसंद आ रही है नहीं आ रही है कमेंट बॉक्स में बताओ। और फ्रंट्स का लुक्स है ना गजब यार, अल्टीमेट टॉप नॉच भाई। इसकी जो ऑन रोड प्राइस है जयपुर राजस्थान के अंदर, वो जो रहने वाली है, अभी मैं डिस्प्ले मीटर के ऊपर शो कर रहा हूँ, वहाँ से जाके आप देख लो इसकी ऑन रोड प्राइस ये रहने वाली है, क्योंकि ये बाइक अभी अभी मैंने गोडाउन से निकलाई है ना, तो प्राइस लिस्ट इनके पास में आई नहीं है, जस्ट अभी अभी ये बाइक आई है, ट्रक से अनलोड हुई है और मैंने आते इसका वीडियो शूट किया है, इसलिए भाई इसकी जो ऑन रोड प्राइस है मैं उनसे पूछ के कन्फर्म करके डिस्प्ले के ऊपर डालूंगा, वहाँ से जाके आप देख लेना। एक चीज़ भूल गया था मैं, इसके अंदर जो हॉर्न आता है ना वो सिंगल हॉर्न है, और उसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ, ये हॉर्न है।
और ये वाले भैया है ना, इन्होंने भाई ये वाली बाइक को रेडी करने में हेल्प किया है। एन एस 125 सीसी को भी इन्होंने रेडी किया था, बस क्योंकि वो बाइक रेडी नहीं थी, उसमें बैटरी कनेक्शन कुछ भी नहीं हुआ था, गोडाउन में अंदर में खड़ी थी। तो थैंक यू सो मच भैया, आपका नाम क्या है? गोविंद। गोविंद गोविंद भाई ने भाई अपनी हेल्प किया, उसके लिए भाई थैंक यू सो मच। इस बात पर एक लाइक तो बनते हैं भैया के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। देखो यार कितने लोग हैं ना जो बिना सब्सक्राइब करे अपना चैनल देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे डिस्प्ले पे मैं डालो ना, तो देखो यार इसमें आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ फ्री है। और ये था इसका एक डिटेल रिव्यू का वीडियो, जिसके अंदर मैंने इस बाइक के बारे में सब कुछ डिटेल्स बता दी है। और आप कौन सी सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी कॉमेंट बॉक्स में जाके बताओ, और इस बाइक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। तो इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।